जनरेटिंग कंपनी का 85 लाख की लागत का पहला ऑक्सीजन प्लांट जो सिंगाजी ताप परियोजना में सोमवार शाम को पहुंचा। अधिकारी अब उसे चालू करने की तैयारी में लग गए हैं। बता दें कि ऑक्सीजन प्लांट अहमदाबाद की कंपनी के इंजीनियर्स की देखरेख में लगाया जा रहा है। परियोजना में ऑक्सीजन बनाने के लिए हाइड्रोजन प्लांट से ऑक्सीजन प्लांट तक 50 मीटर की लाइन डाली गई है, जिसको सावधानी से जोड़कर टेस्टिंग करने के बाद यहां से प्रतिदिन 10 ऑक्सीजन सिलेंडर मिलेंगे, जिसका उपयोग जिले व मुंदी में किया जा सकेगा। इस दौरान मुख्य अभियंता वी के कैलासिया, अतिरिक्त मुख्य अभियंता ए के शर्मा, आर पी पांडे, एस के पंडोर, अधीक्षण अभियंता एस के मालवीय सहित अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। सभी जल्दी शुरू करने के प्रयास में लग गए हैं, ताकि पावर जनरेटिंग कंपनी से ऑक्सीजन प्लांट की सप्लाई अति शीघ्र शुरू की जा सके। अभी तक ऑक्सीजन खुले वातावरण में छोड़ दी जाती थी, जिसका अब जीवन बचाने के लिए उपयोग होगा। संत सिंगाजी पावर परियोजना के हाइड्रोजन प्लांट से वातावरण में 99.9% ऑक्सीजन गैस को छोड़ दिया जाता था, जो बर्बाद हो रही थी। आज देश प्रदेश ऑक्सीजन की किल्लत से गुजर रहा है, जहां पर ऑक्सीजन समय पर नहीं मिलने से कई लोगों का जीवन संकट में पड़ रहा है। पुनासा तहसील में लगने वाले पहले ऑक्सीजन प्लांट से ऑक्सीजन को शुद्ध कर सिलेंडर में भरवा कर अब दिया जाएगा। बोलिए सर। बहुत प्रतीक्षित हमारा ऑक्सीजन प्लांट अहमदाबाद से अभी शाम को आज पहुंचा है। इसका इरेक्शन कमीशनिंग का काम आगे किया जाएगा। कंपनी का एराक्स कंपनी का सर्विस इंजीनियर यहाँ पे है। ऐसी उम्मीद है कि हम शीघ्र किसी ऑक्सीजन उत्पादन प्रारंभ करेंगे। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए खंडवा से रोमी सलूजा की रिपोर्ट।